गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आशु मित्तल हमारे संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यूजीसी डेट पेपर वन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में समझेंगे। आज हम समझेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक होंगे, कौन से क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं कि टीचिंग क्या है। टीचिंग को हम क्या बोलेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग, मतलब ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। अगर आपको टीचिंग को एक शब्द में एक्सप्लेन करना हो तो आप उसको क्या बोलोगे कि टीचिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। मतलब जब एक पर्सन अपनी नॉलेज को दूसरी जगह पर दूसरे पर्सन की तरफ या दूसरी जनरेशन को या सेम जनरेशन को ट्रांसफर कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, टीचिंग। एप्टीट्यूड क्या है, अबिलिटीज। एप्टीट्यूड क्या है, अबिलिटीज। वो अबिलिटीज जो एट प्रेजेंट आप में है, वो अबिलिटीज जो एट प्रेजेंट आप में है। तो टीचिंग अपॉन मतलब वो मेरी अबिलिटीज, मैं कैसे किसी को अपनी नॉलेज ट्रांसफर कर सकता हूँ, किस तरीके से किसी को अपनी नॉलेज ट्रांसफर कर सकता हूँ ताकि वो मेरी बात को इजीली समझ पाए या वो उस बात को, उस नॉलेज को अच्छे तरीके से परसीव कर पाए, तो वो हम सारा समझेंगे टीचिंग अपॉन। दूसरी बात, हम टॉपिक करने से पहले ये समझते हैं कि इसके क्वेश्चंस को हम किस तरह से कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले ध्यान रखना कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हम कोई भी नेगेटिव बात नहीं करेंगे। मतलब जो ये क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से रिगार्डिंग रिलेटेड होते हैं, ये क्वेश्चंस हम सीधा क्वेश्चन को एज इट इज देखकर आंसर नहीं लगा सकते। हमें क्वेश्चन देखना, ऑप्शन देखनी पड़ेगी और ऑप्शन को एलिमिनेशन मेथड, मतलब ऑप्शन को खत्म कर आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको क्वेश्चन आया, मान लो आपको क्वेश्चन आया कि एक टीचर किस तरह से होना चाहिए, एक टीचर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो अभी ये नहीं करना कि कौन सी क्वालिटी होगी, ए वाली होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी कि ये वाली, नहीं। हम क्या करेंगे कि ये क्वालिटी ये तो हो ही नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, मतलब क्या होगा, ये होगा। तो इस तरह से हम उस क्वेश्चंस को उल्ट तरीके से देखकर, ऑप्शंस को खत्म कर अपने आंसर तक पहुंचेंगे। सेकंड, याद रखना टीचिंग एप्टीट्यूड में या साइकोलॉजी में या पैडागोजी में हम कभी भी नेगेटिव चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब अगर आपको लिखा हो कि बच्चे को अलग सेग्रीगेट कर दो तो ये गलत, अगर आपको लिखा हो कि ये पढ़ नहीं सकता गलत, अगर आपको लिखा हो कि इसको पनिश करो गलत। मतलब जहां भी आपको अगर क्वेश्चन पॉजिटिव है, अगर क्वेश्चन में नॉट नहीं पूछा अगर, तो आपके आंसर में भी नेगेटिव बात नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन में ही नॉट पूछा हुआ है तो फिर तो आंसर ऑब्वियस है नेगेटिव हो सकता है। तो ये बात का बहुत ध्यान रखना टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को करते टाइम। आज हम टॉपिक कर रहे हैं, आज हम सबसे पहले टॉपिक शुरू कर रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग। जिसमें हम टीचिंग के बारे में समझेंगे, इसके नेचर्स के बारे में समझेंगे, टीचिंग क्या है, इसके नेचर क्या है, किस तरह से, कौन सी टाइप्स है टीचिंग की, लर्निंग के बारे में समझेंगे, लर्निंग क्या है, लर्निंग के कौन कौन से टाइप्स है, कौन कौन सी लर्निंग की स्टेजेस है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, और लर्निंग की हम 5 थ्योरीज की बात करेंगे, 5 से लेकर 6 तक थ्योरीज की बात करेंगे, जिसमें थॉर्नडाइक, पावलोव, वॉटसन, कोहलर, स्किनर और गेगने, हम ये 6 थ्योरीज की बात इस पूरे टॉपिक के दौरान करेंगे। आज हम सबसे पहले समझते हैं कि टीचिंग क्या है, बाद में हम रिलेशन भी समझेंगे और टीचिंग और लर्निंग का क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम समझते हैं कि टीचिंग क्या है। जैसे मैंने पहले आपको बताया क्या है, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ये क्या है टीचिंग। अगर आप पूछ में लर्निंग के बारे में, लर्निंग क्या है मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ, ये हम आगे बात करेंगे। जब हम बात करेंगे लर्निंग की तो मैं उसमें जाऊंगा कि कौन कैसे मॉडिफाई होता है बिहेवियर, किसने बात की मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर की, ये हम सारा आगे समझेंगे। अभी हम समझते हैं टीचिंग के बारे में।
तो टीचिंग क्या है? ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। देखो इसके बारे में ना, टीचिंग के बारे में दो अलग अलग तरह के कंसेप्ट चलते हैं, एक है ट्रेडिशनल कंसेप्ट, एक है मॉडर्न कंसेप्ट। ट्रेडिशनल कंसेप्ट में क्या होता है, क्या माना जाता है टीचिंग के बारे में, कि टीचिंग का मतलब क्या है, एक टीचर क्लास में आया, लेक्चर लगाया और चला गया, दैट्स कॉल्ड टीचिंग। तो ये क्या है, हमारी पुरानी विचारधारा है या रूढ़िवादी विचारधारा की हम बात कर सकते हैं कि क्या मानते हैं कि टीचर सिर्फ लेक्चर लगाता और चला जाता है। पर क्या आपको लगता है कि मैं लेक्चर लगाऊं, आपके साथ इंटरेक्ट ना करूं, कम्युनिकेट ना करूं, तो बस वो बहुत अच्छी टीचिंग है? तो नहीं। तो मॉडर्न कंसेप्ट टीचिंग के बारे में क्या माना जाता है, या इफेक्टिव टीचिंग के बारे में क्या माना जाता है, कि टीचिंग का मतलब क्या है, कि बच्चे को बच्चे के तरीके से, मतलब स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स के तरीके से स्टूडेंट्स के गोल तक पहुंचाना ही एक्चुअल टीचिंग है। और वो मैं कब पहुंचा पाऊंगा, कब मैं उसको उनके गोल तक पहुंचा पाऊंगा, अगर बच्चा जो है मेरे साथ कम्युनिकेट करेगा, डिस्कशंस करेगा, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ रखेगा, मैं उसकी प्रॉब्लम को समझ पाऊंगा, मैं उसके साथ इंटरेक्ट कर पाऊंगा, तभी इफेक्टिव टीचिंग हो सकती है। तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या है, कि टीचिंग तभी होगी अगर टीचर एंड स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे और डिस्कशन करेंगे। ये बात कर रहे हैं हम टीचिंग की। अभी हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ टीचिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग की, हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ टीचिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, टीचिंग इज अ प्रोसेस। टीचिंग इज अ प्रोसेस, देखो टीचिंग एक प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं। क्यों? कुछ भी मेरे को एज इट इज नहीं मिल गया, मतलब मेरे को मैंने किसी टीचर से कोई चीज सीख ली, कोई चीज मैंने सीख ली तो मैं एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। कौन सी सिचुएशन में क्या होगा, कहां पर कौन सा मेथड यूज करना है, हर क्लास एक तरह की नहीं होती, हर बच्चे एक तरह के नहीं होते, हर बच्चे का लेवल एक तरह का नहीं होता। देखो अभी मैं यूजीसी नेट को टीच कर रहा हूं, तो शायद मेरी एग्जांपल थोड़ी सी हायर अथॉरिटी की होगी, मतलब मैं मानकर चलूंगा कि नहीं बच्चे ने जो है मास्टर डिग्री की हुई है तो उसको बात जल्दी समझेगी। हम बात करते हैं ना कि मैच्योरेशन इफेक्ट्स लर्निंग, जितना बच्चा मैच्योर होगा उतना लर्न ज्यादा जल्दी करेगा। तो मैं थोड़ा हाई लेवल की आपको एग्जांपल दे पाऊंगा। अगर मैं यही कोई टेट को टीच कर रहा होता, सी टेट को टीच कर रहा होता, यूपी टेट को टीच कर रहा होता, रीट को टीच करता होता, या पी टेट को टीच कर रहा होता, तो शायद मेरी एग्जांपल थोड़ी लो क्वालिटी की होनी थी। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा था कि ये बैचलर वाले हैं, बीएड कर आए हैं, तो इनको इस लेवल के क्वेश्चन दे। तो टीचिंग एक प्रोसेस है, टीचर देखता है कहां पर कैसे टीचिंग करनी है, कहां पर कौन सा मेथड यूज करना है, कहां पर मेथड यूज होगा, कहां पर सीधा मेरे को डायरेक्टली बच्चे को इंस्ट्रक्शन देनी है, वो सारा इसमें देखा जाता है टीचिंग के प्रोसेस में। सेकेंड, फर्स्ट हमने बात की टीचिंग इज अ प्रोसेस, सेकेंड हम बात कर रहे हैं टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस। बाइपोलर प्रोसेस, एक साइकोलॉजिस्ट था जिसका नाम क्या था, एडम, जिन्होंने क्या कहा कि टीचिंग के लिए टीचिंग बाइपोलर है, मतलब टीचिंग तभी हो सकती है अगर टीचर और स्टूडेंट्स आपको अवेलेबल हो, मतलब जहां पर टीचर है जिसने पढ़ाना है, जहां पर स्टूडेंट है जिसको पढ़ाना है, तो टीचिंग कहीं भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू एडम्स। तो फिर एक और साइकोलॉजिस्ट आया, एक और साइकोलॉजिस्ट कह लो, फिलोसफर भी हम कह सकते हैं, ट्राइपोलर। उन्होंने किसकी बात की कि टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, ये बात किसने की, जॉन डेवी ने। कि टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस, ये कहते नहीं टीचिंग के लिए सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का होना ही सब कुछ नहीं है, टीचिंग के लिए तीन चीजें चाहिए, कौन कौन सी, टीचर स्टूडेंट एंड एनवायरमेंट। ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जॉन डेवी ने किसकी बात नहीं की, किसकी बात नहीं की, इन तीनों के अलावा जो भी पॉइंट आ जाए उसकी बात जॉन डेवी ने नहीं की। ठीक, जॉन डेवी ने क्या कहा कि टीचिंग के लिए एक टीचर जिसने पढ़ाना है, एक स्टूडेंट जिसको पढ़ाना है, और इन्वायरमेंट जिसमें पढ़ाना है। टीचिंग में देखो ये कह रहे हैं, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और साथ में शोर बहुत आ रहा है तो क्या पढ़ पाओगे, प्रॉपर डार्क जो आपको है, लाइट नहीं है बिल्कुल भी, आपको डार्क नजर आ रहा है तो क्या पढ़ पाओगे, नहीं। तो टीचिंग के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट का होना भी जरूरी है अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फोर्थ पॉइंट, टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस। देखो टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस, टू वे प्रोसेस मतलब जैसे हमें टू वे भी कह सकते हैं, इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं, ये सारे सिनोनिम्स के रूप में हमें यहां पर यूज कर सकते हैं। टू वे प्रोसेस का मतलब क्या है कि टीचिंग तभी हो सकती है जब टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करें, आपस में कम्युनिकेट करें, वन वे टीचिंग नहीं हो सकती। मतलब मैं अकेला बोल रहा हूं, ठीक आप सुन रहे हो, तो वो कोई अच्छी टीचिंग नहीं है, वो इफेक्टिव टीचिंग नहीं है। टीचिंग तभी मानी जाएगी अगर टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करें। नेक्स्ट, लेवल्स ऑफ टीचिंग, यहां हम इसको क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल लेवल्स, मल्टीपल लेवल्स ऑफ टीचिंग। तो कितने लेवल्स की हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी लेवल, मेमोरी लेवल। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग लेवल। एंड थर्ड, रिफ्लेक्टिंग लेवल। थर्ड हम इसकी बात कर रहे हैं रिफ्लेक्टिंग लेवल। मेमोरी लेवल किसने दिया, हर्बर्ट ने। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, मॉरिसन ने। एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल किसने दिया, हंट। तो याद रखना, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मेमोरी लेवल किसने गिवन किया, मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन ने, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल हंट ने। देखो जब भी क्वेश्चन आया है रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया, तो हंट के साथ एक ऑप्शन में ऑप्शन आती है विलियम वुंट। हंट के साथ एक ऑप्शन क्या आती है, वुंट। देखो हंट और वुंट सेम साउंड हो रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। रिफ्लेक्टिव लेवल की बात वुंट ने नहीं की, किसने की है, हंट ने की है। तो वुंट कौन है, इसे क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ वुंट को क्या बोलते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी। और क्या किया था इसने, 1879 में इन्होंने इन्होंने जर्मनी के एक प्रसिद्ध शहर, जर्मनी के एक प्रसिद्ध शहर या एक यूनिवर्सिटी में, जो कहां पर है, लिप्ज़िंग में, लिप्ज़िंग में दुनिया की पहली साइकोलॉजिकल लैब, द वर्ल्ड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टैब्लिश्ड बाय विलियम वुंट इन 1879। तो याद रखना, तो वुंट कौन है, फादर साइकोलॉजी। रिफ्लेक्टिव लेवल की बात किसने की है, हंट ने की है। देखो अभी हम थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि मेमोरी लेवल में क्या है, अंडरस्टैंडिंग में क्या है और रिफ्लेक्टिव में क्या है। देखो मेमोरी लेवल का मतलब क्या होता है कि कहते सबसे पहले बच्चे को ना इस तरह से पढ़ाया जाए, मतलब बच्चा ना अंडरस्टैंड कर, जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो बच्चा इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाता, तो इसलिए सबसे पहले उसको क्या किया जाता है, सिर्फ क्रैमिंग मेथड, सिर्फ रोट मेथड जो है यूज करवाया जाता है कि आप बस रोट मेथड यूज करो, क्रैमिंग करो कि हाँ ये एज इट इज हुआ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, बस उसको याद करवाया जाता है क्यों है, सी फॉर कैट क्यों बोलते हैं, बी फॉर बॉल क्यों बोलते हैं, ए फॉर एप्पल क्यों बोलते हैं, कोई मतलब नहीं। सिर्फ उसको बढ़ाने का मेन मोटिव क्या होता है, उसको क्रैम करवाना, उसको याद करवाना, उसको रटा लगवाना, क्लियर। तो अभी इसके मेरिट्स क्या होंगे, मेमोरी लेवल के क्या मेरिट्स होंगे, छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल अनुकूल है। सेकंड, इसमें हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। देखो अभी मैं आपको ये सारा समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, अगर यही बात मैंने सिर्फ उतारनी हो, सिर्फ लिखनी हो, तो मैं क्या करूंगा, यहां से लिखना शुरू करिया, इसमें लेवल्स ऑफ एजिंग, ये पॉइंट्स, इसमें ये सब पॉइंट्स, तो मैं कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके तक पहुंचा सकता हूं। ये तो है मेमोरी लेवल के मेरिट्स। डीमेरिट्स क्या होंगे, इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता बच्चे का, कॉग्निटिव लेवल बच्चे का डेवलप नहीं होता प्रॉपरली, बच्चा लॉन्ग लास्टिंग लर्निंग नहीं कर सकता, और ये मेथड बाकी जो लेवल्स के लिए सूटेबल नहीं है। सेकेंड, अंडरस्टैंडिंग लेवल। अब देखो पहले मैंने उसको याद करवाया, ये क्या है, बेस है अंडरस्टैंडिंग लेवल का। अगर मेरे को यही नहीं पता होगा कि कुछ हुआ है, कुछ हुआ था या कुछ होगा, तो अगर मेरे को कुछ पता ही नहीं होगा तो मैं कैसे समझ पाऊंगा क्या हुआ, कैसे होगा, क्यों होगा, क्या समझ पाऊंगा। तो मेमोरी लेवल बेस शेयर करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल का, और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आप बच्चों के क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, इसमें ये हुआ,
ऐसे हुआ मतलब उसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करवाया जाता है, उसको हर फैक्ट के साथ जोड़ा जाता है, हर फैक्ट को उनके साथ पहुंचाया जाता है। तो ये है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके मेरिट्स क्या होंगे? इंटरेस्टिंग लर्निंग होगी, बच्चे बच्चे में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, लॉन्ग लास्टिंग होगी, बड़े लेवल्स के लिए बहुत सूटेबल होगी। डीमेरिट्स क्या होंगे इसमें? कि सेल्फ सेंटर्ड नहीं है। अब टीचर एक एक बच्चे को थोड़ा पढ़ाएगा, ठीक है ना, टीचर ने कॉमन अप्रोच यूज करेगा। सेकंड, डिपेंडेंट, बच्चा डिपेंडेंट हो जाएगा। आप पढ़ना है तो आप पढ़ लोगे, पर अगर आपको समझना है तो आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो आप डिपेंडेंट हो गए। वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग लेवल के डीमेरिट्स। थर्ड, रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल मतलब अब आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, रिफ्लेक्ट कर रहे हो मतलब अभी मैं इस तरह से टीच कर रहा हूं ताकि आप अपने व्यूज को बाहर निकाल पाओ, अपने व्यूज दो। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लो मैं कुछ पढ़ाता पढ़ाता कुछ गलत वर्ड यूज कर दिया, ठीक है, या गलत नेम यूज कर दिया, तो साथ ही आपका आंसर है, नहीं सर इसमें ये है, सर इसमें हम ये ऐड कर सकते हैं, सर इसमें हम ये ऐड कर सकते हैं, इसमें ये पॉइंट हो सकता है। तो वो क्या कर रहे हो आप? रिफ्लेक्ट कर रहे हो, मतलब मैंने इस तरह से इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया, इस तरह से एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया कि आप अपने व्यूज दे रहे हो, ठीक। अब देखो इसके मेरिट्स क्या होंगे, इसके मेरिट क्या होंगे? अब आपको प्रॉपर्ली डीपली नॉलेज होगी, प्रॉपर्ली डीप नॉलेज होगी। सेकंड, इसका क्या होगा? आप में क्रियोसिटी होगी। थर्ड, आप में क्या होगा? क्रिटिकल एनालिसिस करने की पावर डेवलप होगी इसमें। और आप इसमें क्या कह सकते हैं कि आप जो है लॉन्ग लास्ट तक आप बात को याद रख पाओगे, वो सारे क्या है? रिफ्लेक्टिव लेवल के मेरिट्स। अब डीमेरिट्स क्या है? डीमेरिट्स में क्या होगा रिफ्लेक्टिव में? पहला, टाइम कंज्यूमिंग, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। दूसरा, इसमें जो है एक टीचर के भटकने के या एक स्टूडेंट के भटकने के चांसेस हो सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको करवा रहा हूं टीचिंग एंड लर्निंग, तो मैं टीचिंग करवाया, टीचिंग में कोई वर्ड आ गया, टीचिंग में वर्ड आया थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक मैं बताना शुरू कर दिया, थॉर्नडाइक में वर्ड आ गया इंटेलिजेंस, मैंने इंटेलिजेंस को बताना शुरू कर दिया, इंटेलिजेंस में वर्ड आ गया क्रिएटिविटी, मैंने क्रिएटिविटी को बताना शुरू कर दिया, मतलब मैं भूल ही गया कि मैं चला कहां से था, मैं भूल ही गया कि एक्चुअल में मैं करवाना क्या आया था, करवाने क्या आया था, करवा क्या रहा हूं, मतलब मैं भटक गया। वो सारा किसका पार्ट आएगा? रिफ्लेक्टिंग लेवल्स का आएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम सिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम सिक्स पार्ट की बात कर रहे हैं, जिसे क्या बोलेंगे हम? फेजेस ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। तो देखो, एक पर्सन था, एक साइकोलॉजिस्ट था, जिसका नाम क्या था? जैक्सन। देखो याद रखना कि ऑप्शन में जॉनसन भी आएगा, जॉनसन नहीं लगाना, किसे लगाना है? जैक्सन। जैक्सन ने क्या कहा कि टीचिंग प्रोसेस है, कहते टीचिंग, टीचर की टीचिंग को समझना बहुत मुश्किल है, आप टीचर की टीचिंग को तभी समझ पाओगे अगर आप ये देखोगे कि टीचर पूरे टीचिंग के दौरान कौन कौन सी एक्टिविटीज करता है, कैसे टीचर मैनेज करता है, कैसे टीचर टीच करता है, कैसे टीचर अवेलुएट करता है, कैसे टीचर बच्चों को समझता है, कैसे बच्चे टीचर को समझते हैं। अगर आप ये पूरे प्रोसेस को समझोगे तो ही समझ पाओगे कि एक्चुअल टीचिंग होती कैसे है, ठीक है ना। देखो आप नॉर्मल बहुत ज्यादा टीचिंग क्या क्या है मैं करवा दूंगा, बहुत आपको स्टूडेंट मिलेंगे जिसके पास नॉलेज बहुत है, ठीक, पर वो टीच नहीं कर पाते, वो नॉलेज उनके तक लिमिटेड है, वो किसी को समझा नहीं पाते, ठीक। तो मतलब क्या है कि टीचिंग ऐसे नहीं कि कोई भी कर लेगा, हर कोई टीचर बन जाएगा, यहाँ पर खड़े होकर बोलना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर बैठकर सुनना ये तो बहुत ईजी है, ये तो बहुत कर सकते हैं, कहना बहुत सिंपल है, यहाँ पर बोलना बहुत मुश्किल। मतलब जैक्सन ने कहा अगर आप टीचर की टीचिंग को समझना चाहते हो तो आपको पूरा देखना पड़ेगा कि टीचर कैसे टीच करता है, टीचर कैसे मैनेज करता है, टीचर कैसे क्वेश्चनिंग करता है, कौन से मेथड्स कब यूज करता है और कैसे बच्चों की अवेलुएट करता है। इन सारे प्रोसेस को समझने के बाद आप समझ सकते हो कि एक टीचर कैसे टीच करता है। तो इन्होंने तीन फेजों की बात की, प्रीएक्टिव फेज, इंटरैक्टिव फेज एंड पोस्ट एक्टिव। इसे फेज और स्टेज दोनों बोल सकते हैं, इसे फेज और स्टेज दोनों बोल सकते हैं। देखो बात किसने किया फेज ऑफ टीचिंग की? जैक्सन ने। देखो
प्री एक्टिव स्टेज को इन्होंने क्या बोला, प्लानिंग फेज। प्री एक्टिव को इन्होंने क्या बोला, प्लानिंग फेज। इंटरएक्टिव को क्या बोला, अप्लाइड फेज। और पोस्ट एक्टिव को क्या बोला, एवेल्युएटर या एवेल्युएशन फेज। पोस्ट एक्टिव को क्या बोला, एवेल्युएशन फेज। फर्स्ट सेकंड, ये आपको सीक्वेंस में याद करना पड़ेगा, सीक्वेंस भी पेपर में पूछा जा सकता है, आपको मैथ का कॉलम भी आ सकता है कि इसके सामने क्या होगा। थर्ड, इसका क्वेश्चन आपको सिचुएशन बेस्ड भी हो सकता है, मतलब आपको एक टीचर की कोई टीच करते हुए सिचुएशन बताई जाएगी, आपको बताया जाएगा कि बताओ इस मेथड में या इस सिचुएशन में टीचिंग का सबल किससे है, प्री एक्टिव से है, इंटर से है या पोस्ट एक्टिव से है। तो वो आपको तीन इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो प्री एक्टिव में टीचर क्या कर रहा है, प्लान कर रहा है। प्लान कब करेगा, जब क्लास में एंटर नहीं हुआ। तो प्री एक्टिव में याद रखना वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी गतिविधियां जो एक टीचर क्लास में आने से पहले, क्लास में आने से पहले जो भी सोच रहा है, लिख रहा है, दिमाग में कोई माइंड मैपिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो सारा किसमें आएगा, प्री एक्टिव में। देखो क्या क्या करेगा, सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि प्री एक्टिव स्टेज में सबसे पहले टीचर क्या करता है, क्या करता है टीचर, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है कि मेरे ऑब्जेक्टिव क्या होंगे आज के टीचिंग के। फिर वो देखता है कि मेरा कंटेंट क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, फिर कंटेंट क्या होगा, फिर मेथड्स कौन से यूज करूंगा, फिर स्ट्रेटजी क्या होगी, कहां पर कौन सा मेथड यूज करूंगा, वो सारा कुछ आया तो वो किस में आएगा, प्री एक्टिव में आएगा। सेकंड इंटरएक्टिव, देखो अभी टीचर क्लास में एंटर कर गया, जो कुछ प्लान करना था मैंने कर लिया, अभी मैं क्लास में एंटर कर गया, अभी एंटर किया मतलब क्या करूंगा, जो प्लान कर आया था उसे क्या करूंगा, इंप्लीमेंट करूंगा। तो इंटरएक्टिव में याद रखना कि वो सारी एक्टिविटीज जो एक टीचर टॉपिक के दौरान, जो एक टीचर टॉपिक पढ़ाने के दौरान जो भी एक्टिविटीज कर रहा है वो क्या है, इंटरएक्टिव। कई बच्चे ना इसमें गलती करते हैं कि बच्चे क्या समझते हैं कि इसमें समझते हैं जो काम टीचर पहले कर रहा है, इसमें जो दौरान कर रहा है और इसमें बाद में कर रहा है। नहीं, ये नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा इंटरएक्टिव में, कि जो काम एक टीचर टॉपिक के दौरान कर रहा है, टॉपिक पढ़ाते समय कर रहा है, वो सारा किसमें आएगा, इंटरएक्टिव फेज में आएगा। तो क्या करेगा, डिस्कशन करेगा, क्वेश्चन नहीं करेगा, बच्चे उसे बीच बीच में क्वेश्चन नहीं करेगा, डिस्कशन करेगा, कोई प्रोजेक्ट वर्क देगा, ठीक है, कोई टेस्ट बीच में दे रहा है उस टॉपिक के रिगार्डिंग, क्वेश्चन लिखने को बोल रहा है, तो वो सब कुछ टीचिंग का सबल, सबका सबल किससे आएगा, इंटरक्टिव फेज के साथ आएगा। मतलब टीचर इंटरेक्ट कर रहा है तभी, ठीक है, पढ़ा रहा है, लेक्चर आएगा, वो भी किसमें आएगा, इंटरक्टिव। देखो ठीक, अभी मैंने पढ़ा दिया, अभी मैं चेक कर रहा हूं कि जो मैंने पढ़ाया वो बच्चे को आता है, जो मेरा टॉपिक खत्म हो गया वो बच्चे को आता है कि नहीं आता। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं प्लान को, मैं क्या कर रहा हूं, अवेलुएट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मूल्यांकन कर रहा हूं बच्चे का, कि बच्चे को समझ आई कि नहीं आई। अगर मेरी क्वेश्चनिंग वो टॉपिक की है जो मेरा चल रहा है, तो किसमें आएगा, इंटरेक्टिव। तब मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं, साथ साथ समझा रहा हूं। अगर मेरा जो क्वेश्चनिंग है उस टॉपिक से है जो मेरा ऑलरेडी हो चुका है, तो वो मेरी अवेल्युएशन फेज में आएगी, पोस्ट एक्टिव फेज में आएगी। मतलब अभी मैं चेक कर रहा हूं बच्चे को समझ आया या नहीं आया। सेकंड, इसमें सेल्फ अवेल्युएशन भी आ सकती है, मतलब मैं चेक कर रहा हूं कि सभी को मैंने मौका दिया, सभी पढ़ रहे थे, सभी खुश थे, सभी, ये तो नहीं कि बच्चा बोर हो गया हो, ये तो नहीं कि मैंने कॉन्टेंट बहुत लंबा ले गया हो, ये तो नहीं कि मैंने कॉन्टेंट बहुत कम लिया हो, तो ये सब कुछ भी मैं किसमें लेकर आऊंगा, पोस्ट एक्टिव फेज में लेकर आओ। तो ये हमारा है, फिर अपना हम ये सारा बात की हमने, नेचर ऑफ टीचिंग की बात की कि किस तरह से हम टीच कर सकते हैं। नेक्स्ट, हम बात कर रहे हैं टाइप्स। हम बात कर रहे हैं टाइप्स की, तो बेसिकली हम बात करते हैं पहले अथॉरिटेरियन टीचिंग, सेकंड डेमोक्रेटिक टीचिंग, एंड थर्ड
लेजर फ्री। थर्ड हम किसकी बात कर रहे हैं, लेजर फेयर टीचिंग। देखो हमने बात की अथॉरिटेरियन, अथॉरिटी देखो जब मैं अथॉरिटेरियन टीचिंग मतलब मैं टीचिंग अथॉरिटी की बात कर रहा हूं, तो अथॉरिटेरियन टीचिंग में अथॉरिटी किसके पास है, मेरे पास है, मतलब मैं अपने तरीके से अपने तरह से टीचर को टीच करूंगा। ये बात किसने की, मॉरिसन ने। ये बात किसने कही है, अथॉरिटेरियन टीचिंग की बात किसने कही है, मॉरिसन ने गलत बात की है। ठीक, इसमें क्या है, टीचर के पास अथॉरिटी है। तो अगर मैं आपको इसका क्वेश्चन आएगा, इसका क्वेश्चन कई बार कोरिलेशन के तौर पर भी आ सकता है कि अथॉरिटेरियन टीचिंग का संबंध टीचिंग के कौन से लेवल के साथ है, तो आंसर क्या आएगा, तो कौन से लेवल के साथ है, मेमोरी लेवल। क्योंकि मेमोरी लेवल में भी अथॉरिटी टीचर के पास होती है। एक बात मैं बताना भूल गया कि मेमोरी लेवल में याद रखना, हमने बात की थी कि टीचिंग टू वे प्रोसेस है, कि टीचिंग तभी होगी अगर टीचर और स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे, पर एक मेमोरी इस तरह का लेवल है जहां पर टीचिंग वन वे प्रोसेस में होती है, मतलब बच्चे छोटे क्वेश्चन नहीं पूछते। बाकी सारे लेवल्स में हम टीचिंग बात करते हैं टू वे में। तो अभी देखो अथॉरिटेरियन टीचर मतलब जिसमें अथॉरिटी टीचर्स को दी गई है, जिसका बच्चों से कोई मतलब नहीं, उसको आता है नहीं आता, समझ आया नहीं आया, तो मतलब मैं अथॉरिटी हूं, मैं जिस तरह से चाहूंगा पढ़ाऊंगा, जो कंटेंट चाहूंगा पढ़ाऊंगा, आपके सिलेबस के रिगार्डिंग जो मैंने पहले चूज करना है मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, तो वो मेरी कौन सी है, अथॉरिटेरियन। सेकंड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक टीचिंग की बात की है गेग ने। डेमोक्रेटिक टीचिंग की बात किसने की है, गेग ने की है। मतलब मैं अभी देखो डेमोक्रेसी किसे बोलते हैं, कोई भी बोल सकता है। डेमोक्रेटिक में क्या है कि दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चे को भी मौका मिला हुआ है बोलने का, बच्चा भी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बता सकता है, बच्चा डिस्कस कर सकता है, रिलेट कर सकता है। तो ये सारा किसमें आएगा, डेमोक्रेटिक टीचिंग में आएगा। और याद रखना कि अगर क्वेश्चन आया कि डेमोक्रेटिक टीचिंग का संबंध टीचिंग के कौन से लेवल के साथ है, तो कौन से लेवल के साथ आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेजर फायर टीचिंग की। तो लेजर फायर देखो टीचिंग में क्या होता है कि जिसमें बच्चा जो सीख कर गया, टीचर से जो सीख कर गया, उसको अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करता है, उसको क्या करता है, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करता है। और उसके दौरान जो प्रॉब्लम आती है वो टीचर्स की तरफ, टीचर्स को लेकर आता है, टीचर के सामने लेकर आता है, और टीचर उसकी वो प्रॉब्लम को क्या करती है, सॉल्व करती है। तो ये बात किसने की है, देखो पहले ब्रूबेचर, ये बात किसने की है, लेजर फायर टीचिंग की बात किसने की है, ब्रूबेचर ने की है। और इसमें अगर क्वेश्चन आया कि लेजर फायर टीचिंग का संबंध लेवल्स ऑफ टीचिंग के कौन से लेवल से है, तो याद रखना आंसर क्या आएगा, रिफ्लेक्टिव लेवल। किसके साथ रिलेट कर सकते हैं हम इसको, रिफ्लेक्टिव लेवल के साथ हम इसे रिलेट कर सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट बस एक पार्ट रहेगा टीचिंग के बारे में, एक चीज रहेगी मेथड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड। देखो इसका क्वेश्चन आता होता है कि आज के समय में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है, डेमोक्रेटिक, नहीं सॉरी डेमोस्ट्रेशन। अगर आपको क्वेश्चन आया कि आज के समय में टीचिंग का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है, डेमोस्ट्रेशन मेथड। मतलब इसमें क्या होता है कि टीचर डेमो हार्ड मटेरियल तो देता ही है, साथ में डेमो देकर बच्चे को समझाता है। तो सबसे बेस्ट मेथड आज के समय में क्या दिया जाता है, डेमोस्ट्रेशन। सेकेंड, अगर डेमोस्ट्रेशन ऑप्शन में नहीं है तो क्या लगाएंगे, तो हम क्या लगा सकते हैं, डिस्कशन मेथड। देखो मेरी बात समझो, टीचिंग अप्रूव में ना जो हम करवाते हैं वो एज इट इज नहीं आता। जरूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन यही आएगा कि टीचिंग का सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, और ऑप्शन में डेमोस्ट्रेशन ही होगा, हो सकता है ये ऑप्शन ही ना हो। तो आपको ए और बी बैकअप प्लान साथ में लेकर चलना पड़ेगा कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या लगाऊंगा, बेटर ऑप्शन कौन सी है। तो आपको इसीलिए बोलते हैं कि टीचिंग अप्रूव का जो पार्ट है वो क्वेश्चन सेंटर नहीं है, वो क्या है, ऑप्शन सेंटर। मतलब ऑप्शंस के साथ कई बार मेरा पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है चेंज हो जाता, तो मेरे को बेटर ऑप्शन। इसमें कोई ये नहीं होता कि जी ये नहीं आया डेमोस्ट्रेशन तो ग्रेस मिलेगी, नहीं, वो क्या कहते हैं,
कि आप इस लेवल पर पहुंच चुके हो कि आप बैकअप ले सकोगे, ये नहीं होगा तो इससे बेस्ट कौन हो सकता है, इससे थोड़ा कम क्या हो सकता है, डिस्कशन मेथड। तो आंसर क्या आएगा, डिस्कशन मेथड। और कौन कौन से मेथड की बात करता हूं, क्वेश्चनिंग मेथड, जिसमें टीचर क्या कर रहा है, क्वेश्चनिंग कर रहा है। और क्या कर सकते हैं, इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड जिसमें क्या होता है, पहले एग्जांपल दे रहे हैं फिर रूल्स तक जा रहे हैं। और कर दो सर, डिडक्टिव मेथड जिसमें पहले रूल्स बता रहे हैं फिर हम एग्जाम्पल की तरफ बच्चे को लेके जा रहे हैं। मतलब देखो एक इंटरेस्टिंग मैं बताता हूं, एक वर्ड सुना होगा आपने इज़म, इज़म जिसे पंजाबी में हिंदी में क्या बोलते हैं, वाद, हिंदी में क्या बोलते हैं, वाद, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, ठीक है ना, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, आपने वर्ड सुना होगा। इस इज़म का मतलब क्या है, पहले इस इज़म का एक्चुअल में मतलब क्या है, सोच, इज्म का मतलब क्या है, हमारी सोच, मतलब हम किस सोच को रिलेट करते हैं। और हम सब किसी ना किसी इज्म से रिलेट करते हैं, सिर्फ पता नहीं कि कौन सा, हमने इज्म के बारे में नहीं पढ़ा हुआ तो मुझको ये नहीं पता कि मैं कौन से इज्म को मानता हूं, पर हर कोई कोई ना कोई इज्म को मानता है। और जो पर्सन जिस इज्म को मानता है उसकी विचारधारा में वो सब कुछ दिखाई देता है, वो थ्योरी में सब कुछ वो दिखाई देता है। तो जितने भी टीचिंग के मेथड्स हैं वो सारे किसी ना किसी इज्म से निकल कर आए हैं। देखो इडक्टिव की बात करें आइडलिज्म, प्लेवे की बात करें नेचुरलिज्म, प्रोजेक्ट मेथड की बात करें प्रैग्मेटिज्म। मतलब अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो क्या समझ आएगी कि जितने भी टीचिंग के मेथड्स हैं वो किसी ना किसी इज्म से लिए गए हैं। तो ये था आज हमारा, आज हमने बात की टीचिंग के बारे में कि टीचिंग क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लर्निंग के बारे में समझेंगे, लर्निंग क्या होती है, इसमें इसे कैसे ट्रांसफर करते हैं वो सारा हम समझेंगे। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।